डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास फिफ्थ के इंग्लिश का चैप्टर द प्रोडिगल सन। तो ये हमने कंप्लीट किया, आज हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है व्हाई डिड द मैन डिवाइड हिज वेल्थ बिटवीन हिज टू सन्स। तो जो ये आदमी था इसने अपनी वेल्थ जो है वो अपने दो बेटों में क्यों तकसीम की। तो आंसर आएगा इसको द मैन डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन हिज टू सन्स बिकॉज हिज यंगर सन डिमांडेड एन अर्ली डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी टू गेट हिज शेयर। तो जो इस आदमी ने अपनी ये दौलत इसलिए तकसीम की अपने बेटों में क्योंकि जो उसका यंगर यानी कि छोटा सन था, छोटा बेटा था, उसने डिमांड की अर्ली डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी कि उसके बाप की प्रॉपर्टी को हिस्सा किया जाए टू गेट हिज शेयर, ताकि उसको अपना हिस्सा इसमें से मिले। क्योंकि वहाँ पर जो रूल था वो ये था कि बाप के मरने के बाद ही प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती थी, लेकिन जो ये बेटा था यंगर सन तो इसने अपने बाप को अर्ली डिवीजन के लिए मजबूर किया क्योंकि वो चाहता था अपना शेयर चाहता था उसमें से। ठीक है, तो इसलिए इस आदमी ने अपनी वेल्थ को तकसीम किया इन दो बेटों में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द यंगर सन हायर हिमसेल्फ टू समवन। जो ये छोटा बेटा इसका था उसने अपने आप को कहीं पर क्यों रखा जॉब के लिए। ठीक है, द यंगर सन हायर्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही लॉस्ट ऑल हिज मनी इन वाइनिंग डाइनिंग एंड गैम्बलिंग एंड हैड नथिंग टू ईट नॉर होम टू लीव। उसने अपने आप को इसलिए रखा वहाँ पे काम पे कहीं पे बिकॉज जो उसके पास पैसे थे, जो उसने उसके बाप के हिस्से में से प्रॉपर्टी में से उसका शेयर था, तो वो सारे पैसे उसने खर्च किए थे जुआ खेलने में या दारू पीने में या बड़े बड़े होटल में खाना खाने में। तो सारे पैसे इसने खर्च किए थे, अब उसके पास कोई पैसा नहीं था जिससे वो कुछ खा सकता था, ना ही उसके पास घर था रहने के लिए, नॉर होम टू लिव। तो इसलिए उसने अपने आप को हायर किया था किसी के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द यंगर मैन डिसाइड टू टेल व्हाट डिड द यंगर मैन डिसाइड टू टेल हिज फादर। तो यंगर सन जो है उसने अब क्या फैसला किया कि वो अपने बाप को क्या बोलेगा। ठीक है, द यंगर सन डिसाइडेड टू टेल हिज फादर दैट ही हैज सीन इट बिफोर हेवन एंड हिज फादर ही नो लॉन्गर डिजर्व टू बी कॉल्ड हिज सन सो ही विल वर्क फॉर हिम एज वन ऑफ हिज हायर्ड मैन। तो इस छोटे बेटे ने डिसाइड किया, उसने फैसला लिया कि जो मैं यहाँ पे किसी के पास हायर ये काम कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है, अच्छी तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं अपने बाप के पास जाऊँगा, उसको बोलूँगा कि मैंने गुनाह किया है, हाँ तो अब मैंने रियलाइज़ किया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो मैं आपका बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, तो इसलिए आप दूसरे आदमियों की तरह जिस तरह आपके घर में दूसरे आदमी हैं काम करने वाले, तो उन्हीं नौकरों की तरह आप मुझे भी अपने घर में रखो, तो मैं भी आपके खेतों में काम करूँगा और मेरे साथ वैसा ही सलूक करो जैसा आप उन लोगों के साथ सलूक करते हो। तो इस तरह से जो ये प्रोडिगल सन था, फजूल खर्च ये लड़का, तो ये क्या कर रहा था, इसको क्या हो गया, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो अपने बाप के पास वापस आके उसको माफ़ी मांगी इसने। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये तीन क्वेश्चंस किए, तो कल हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाय।